हल्द्वानी शहर में अभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और कल शाम से ही सिचुएशन हमने कंट्रोल में कर रखी थी। आज सुबह CAPF भी आ गई है, तो जो हमारी लोकल फोर्स है उसे CAPF डिप्लॉय किया जा रहा है। और कल जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में जो बाकी का हमारा लीगल वर्क है हमने शुरू कर दिया है, तो हमने FIR रजिस्ट्रेशन कर ली है। बाकी लोगों को जो CCTV फुटेज का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, मौके का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ हम अपनी गिरफ्तारी पार्टियाँ और जो बाकी चीज़ें वो रवाना कर रहे हैं। सर, डिजीज और इंजर्ड में क्या इंक्रीज हुआ है किसी को, नहीं नहीं यानी किसी तरह कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट इंजर्ड हुआ का या वैसा कोई इंसिडेंट नहीं है। मतलब लास्ट 24 आवर्स से एवरीथिंग इज पीसफुल। सर, डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट कितना है और क्या है? देखिए अभी हमारे पास लगभग 4 कंपनी CAPF है और उसके अलावा जो है 6 कंपनी हमारे पास स्टेट पुलिस की जो है हमारी PAC है, और लगभग 450 कर्मचारी हमारे जो है उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं। तो अगर देखा जाए तो 1200-1300 कर्मचारियों की हल्द्वानी शहर में तैनाती की गई है। मृतकों की संख्या में कोई इजाफा हुआ है कि? देखिए आज दोपहर बाद में एक दुआ आया है जिसमें 2 ब्रॉड डेड केस हो रहे हैं, तो शायद अब वो डेड बॉडीज कल इन लोगों ने उठाई और आज हॉस्पिटल में लेके आए, तो हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि वो स्पॉट पे वो बॉडीज नहीं मिली है। तो अब उनका एनालिसिस करने के बाद में PM होने के बाद ही पता लगेगा कि ये जो 2 लोग हैं ये इनकी डेथ कैसे हुई है और किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई है। ऑफिशियली अभी कुछ ऐसा नहीं है कि डिजीज के काउंट्स बढ़े हो या नहीं हो क्या? नहीं, बड़े हैं। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो अगर आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, या तो वो कल के उपद्रव में या वैसे कोई और इंसिडेंट में, तो लास्ट मतलब अगर देखा जाए तो दंगा होने के बाद में 4 बॉडी जब तक मिल चुकी है। हल्द्वानी शहर में अभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और कल शाम से ही सिचुएशन हमने कंट्रोल में कर रखी थी। आज सुबह CAPF भी आ गई है, तो जो हमारी लोकल फोर्स है उसे CAPF डिप्लॉय किया जा रहा है। और कल जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद में जो बाकी का हमारा लीगल वर्क है हमने शुरू कर दिया है, तो हमने FIR रजिस्ट्रेशन कर ली है। बाकी लोगों को जो CCTV फुटेज का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, मौके का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ हम अपनी गिरफ्तारी पार्टियाँ और जो बाकी चीज़ें वो रवाना कर रहे हैं। सर, डिजीज और इंजर्ड में क्या इंक्रीज हुआ है किसी को, नहीं नहीं यानी? किसी तरह कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट इंजर्ड हुआ का या वैसा कोई इंसिडेंट नहीं है। मतलब लास्ट 24 आवर्स से एवरीथिंग इज पीसफुल। सर, डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट कितना है और क्या है? देखिए अभी हमारे पास लगभग 4 कंपनी CAPF है और उसके अलावा जो है 6 कंपनी हमारे पास स्टेट पुलिस की जो है हमारी PAC है, और लगभग 450 कर्मचारी हमारे जो है उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं। तो अगर देखा जाए तो 1200-1300 कर्मचारियों की हल्द्वानी शहर में तैनाती की गई है। मृतकों की संख्या में कोई इजाफा हुआ है कि? देखिए आज दोपहर बाद में एक दुआ आया है जिसमें 2 ब्रॉड डेड केस हो रहे हैं, तो शायद अब वो डेड बॉडीज कल इन लोगों ने उठाई और आज हॉस्पिटल में लेके आए, तो हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि वो स्पॉट पे वो बॉडीज नहीं मिली है। तो अब उनका एनालिसिस करने के बाद में PM होने के बाद ही पता लगेगा कि ये जो 2 लोग हैं ये इनकी डेथ कैसे हुई है और किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई है। ऑफिशियली अभी कुछ ऐसा नहीं है कि डिजीज के काउंट्स बढ़े हो या नहीं हो क्या? नहीं, बड़े हैं। देखिए अगर वैसे देखा जाए तो अगर आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, या तो वो कल के उपद्रव में या वैसे कोई और इंसिडेंट में, तो लास्ट मतलब अगर देखा जाए तो दंगा होने के बाद में 4 बॉडी जब तक मिल चुकी। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस and hit the bell icon to stay updated with the latest.